स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटूटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे भविष्य के सबस्टेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपने तो मेरा कल का वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने सबस्टेशन के बारे में बात किया है। तो फिर आप ये समझना चाहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब सबस्टेशन है, काम कर रहा है, तभी तो हम लोग के पास बिजली है, तो समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारा जो सबस्टेशन का जो सिस्टम है ये बहुत प्राचीन है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जब आया था उसी टाइम से बनाना लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन बात यह कि 50 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से हैंडल किया जाता था वो उतना अच्छा नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब समझिए, उन्होंने मतलब पटरी बिछा रहे हैं तो उनको पता नहीं था उतना जानकारी, अब हम लोग को पता है। तो अभी के नज़र से अगर आप देखते हैं सबस्टेशन तो लगे यार ये तो बहुत बहुत पुराना है, बहुत बर्बादी है इसमें। फिर ये बहुत नाजुक हो गया है, वनरेबल है, मतलब कि अर्थक्वेक होता है सबस्टेशन चला जाता है, थोड़ा सा मतलब फ्लडिंग हुआ सबस्टेशन चला गया, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ सबस्टेशन बंद हो गया, मतलब बहुत वनरेबल हो गया है हमारा सबस्टेशन। मतलब जबकि इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है, मतलब एक सिविलाइजेशन को चलने के लिए सबस्टेशन का काम करना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। और फिर ये समझिए बहुत बुड़बक है। बुड़बक का ये मतलब होता है कि सबस्टेशन में जो सिस्टम लगाया जाता है, जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है या करंट ट्रांसफार्मर या जो भी सर्किट ब्रेकर है, ये सब है, काम करता है, तभी तो बार के पास बिजली है, लेकिन ये सब बहुत बुड़बक है। यानी कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कोई चीज़, ये बता नहीं सकता कि भैया ये ट्रांसफार्मर उड़ने वाला है, इसको रिपेयर अभी कर लो ये नहीं तो इसमें आग लग जाने वाला है, कुछ कर नहीं पाता, बहुत बुड़बक है। तो ये समझ में आता है कि जिस टाइम मतलब आप समझ रहे 1950s से जब इसका काम किया जा रहा था उस टाइम तो मतलब स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सवाल ही नहीं था, तो ये डम है उस टाइम के हिसाब से। तो ये सब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो ये डिज़ाइन पुराना है, ऊपर से ये बड़ा नाजुक हो गया है, फिर ये अनस्केलेबल है। ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा भारत में ऐसा हुआ कि ठीक है ये शहर बन रहा है ना, यहाँ एक सबस्टेशन दे दो ये शहर को चला देगा, लेकिन वो सबस्टेशन जो बनाया गया जब मतलब उसमें जितना पावर भेजा जाएगा उसको थोड़ा सा ऊपर बनाए, कि मतलब 50 मेगावाट का अगर मान लीजिए डिमांड था तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम ये करते हैं 50 मेगावाट के ऊपर 1-2 मेगावाट एक्स्ट्रा रख दो बफर के लिए। तो होता क्या कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो वो 50 मेगावाट को हम लोग कब का क्रॉस करें, अब ये दौड़ते दौड़ते कर रहे क्या करें क्या करें, मतलब ट्रांसफार्मर बदल सकते हैं लेकिन फिर आपका लाइन चेंज करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सबस्टेशन बन तो गया है लेकिन उसमें ज़्यादा रूम नहीं है, मतलब बनाया गया है 50 मेगावाट के लिए तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन आप देखते हो सब छोटा छोटा शहर इतना स्पीड से बड़ा हो जा रहा है कि मतलब जो 50 मेगावाट में खुश रह रहा था वहाँ 500 मेगावाट चाहिए। तो ये अनस्केलेबल ना होना, क्योंकि डिज़ाइन पुराना है, बहुत भारी नुकसान करता है हम लोग को। फिर इसके बाद आते हैं, आपको ये समझिए कि ये चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं एक तो पुराना सबस्टेशन गए एक तो नया सबस्टेशन, आप बोले अरे वाह ये नया वाला, ऐसा ऐसा चेंज नहीं होगा, ये एवोल्यूशनरी चेंज होगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप लिए जाएंगे, क्योंकि ये आप ये समझिए कि बहुत महंगा होता है सबस्टेशन, कोई 1-1.5 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, वो कई 1000 करोड़ का चीज़ है। तो उसको मजाक की तरह आप नहीं चल सकते, भैया बदल दो, ठीक है बदल देंगे दो, मतलब पूरा इंडिया का GDP चला जाएगा उसको चेंज करने में, तो समझिए वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे ही कर सकते हैं। फिर आप ये समझिए कि आप सबस्टेशन बंद नहीं कर सकते ना, जैसे दिल्ली 12,000 मेगावाट खाता है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते ना कि भैया चलो दिल्ली बंद कर दो, क्या कि हम तुम्हारा सबस्टेशन ठीक करने वाले, आप नहीं कर सकते। तो इसी कारण से डाउन टाइम ना होने के कारण से आपको जैसे वो चल रहा है एक्टिव है उसी टाइम आपको उसको काम करना पड़ेगा, ये बहुत फजीहत हो जाता है। फिर आप ये समझिए कि भले हमारा पुराना सिस्टम है ये बहुत एडवांस नहीं है लेकिन ये टेस्टेड है, ये बहुत अच्छे से लोगों को इस पर भरोसा करना आता है, क्योंकि भाई देख चुके आप, देख चुके हो 50 साल से काम कर रहा है, आप देख चुके हो 70 साल से काम कर रहा है, तो कोई भरोसा हो जाता है, हाँ भाई देख लिया भाई इतना चीज़ देख लिया इसने और उसके बाद भी ये धोखा नहीं दे रहा है, तब तो भरोसा हो ही जाता है। लेकिन फिर ये वही प्रॉब्लम आ जाता है जो कहते हैं चिकन एंड एग सिचुएशन की, मतलब आपको जॉब लेना है लेकिन जॉब के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अब वो 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब चाहिए, तो ये वही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए से काफ़ी बार किया जा सकता है, जैसे कि खास करके जो जो नए नए शहर बन रहे हैं उसमें किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, क्योंकि पुराना टेक्नोलॉजी से थोड़ा मतलब जुड़ान हो गया था, मतलब जुड़ गए थे हम लोग। फिर भी आप ये समझिए कि गाड़ी खुल गई है, गाड़ी स्टेशन से खुल गई लेकिन थोड़ी धीरे धीरे स्टेप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अंतर जमीन आसमान का जो अंतर आने वाला है वो होगा कि हम लोग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है ना, जैसे आप लोग कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT और CT यानी करंट ट्रांसफार्मर जो ऐसा होता है बेसिकली इसका बड़ा भाई होता है, ये लगा के मत सबस्टेशन में जाके ये मत लगा दीजिएगा उड़ जाइएगा आप, तो इसी का बड़ा भाई लगाया जाता है। लेकिन ये सबका लिमिटेशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। पहला लिमिटेशन ये होता है कि ये ठीक है नाप रहा है कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे नापता है, यानी कि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है ये अच्छे से दिखा नहीं सकता, इसको अगर आप कंप्यूटर में डाल भी देंगे तो वो आपको पर सेकंड दिखा पाएगा कि इस सेकंड में इतना हुआ, लेकिन आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं उनको पता है स्पाइक 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आ सकता है, तो ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा उस सेकंड का एवरेज कर देगा,
थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि स्पाइक कितना बड़ा था। तो नापने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है या जो रेजोल्यूशन है, मतलब एक टाइम को कितना बार नाप रहा है, वो बहुत कम होता है। फिर दूसरा ये धमाका धमाकेदार मटीरियल है, ये फट जाता है क्योंकि इसमें जो तेल डाला जाता है, और अगर तेल ओवरहीट हो गया, तेल आग पकड़ सकता है, तो जलता भी और धमाका भी होता है, तो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इसको हम लोग, तो आप बोल दोगे ठीक है प्रॉब्लम है समस्या है, लेकिन बदलेंगे किस चीज़ से? तो हम लोग इसको बदल देंगे ऑप्टिकल से। तो आप बोलोगे भाई इसका तो आपको सीधा सीधा समझ आया, आपने इसमें कंडक्टर डाला, इसमें मैग्नेटिक कॉइल मतलब फ्लक्स बना, इसका मैग्नेटिक कॉइल से आप उसको रीड कर लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल से कैसे कीजिएगा? तो ऑप्टिकल में क्या करना है, यही करना है जो आपको करना है बस। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें आप पोलराइज लाइट डालेंगे, यानी कि जो लाइट आप देखते हो ना कि 3D चश्मे में होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा करो तो नहीं दिखता है, मतलब जो पोलराइज रहता है, तो एकदम स्ट्रेट पोलराइज नहीं, मतलब चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, जैसे वो कंडक्टर की तरफ लूप करेगा, मतलब आया लूप किया कंडक्टर की तरफ और बाहर गया, तो उसका पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट आया स्ट्रेट निकल जाएगा, करंट नहीं है, करंट है तो धीरे धीरे मुड़ने लगेगा, धीरे धीरे मतलब इनपुट 90 है लेकिन ये धीरे धीरे मुड़ने लगे। तो मान लीजिए मुड़ गया 45, तो यानी जो 45 डिग्री का चेंज था वो था आपका करंट कंजम्पशन। तो इसका एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, ये ऐसा ही है जैसे मतलब ये है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट है और ये एक सेकंड के अंदर 100 बार नाप सकता है, मतलब 100 हर्ट्ज की स्पीड से, कई कई जगह पे तो कई किलो हर्ट्ज की, मतलब ये एक स्पाइक को ऐसे दिखा देगा, स्पाइक बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्पाइक यहाँ पे टैग किया है एकदम बढ़िया से, पूरा डिटेल में आपको मतलब मेजरमेंट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, मतलब अगर आप अच्छे से अपना ग्रिड को मेंटेन करना चाहते हैं तो इस तरह का स्पाइक को हैंडल कर लेना बहुत अच्छी बात है। और हैंडल कैसे कीजिएगा, जब आपको पता होगा कि क्या है स्पाइक, तो ये ऑप्टिकल में करने लगे। और आप खरीद सकते हो इस तरह, बहुत महंगा होता है इसलिए सिर्फ सबस्टेशन में लगाया जाता है। तो ठीक है, इससे तो मैंने आपको बताया कि एम्पेयर कैसे नापिएगा, फिर वोल्टेज कैसे नापिएगा। तो वोल्टेज के लिए इसी का थोड़ा सा तिगड़म इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको बदल दिया जाता है उससे, जिसमें पीएजो ऑप्टिकल एलिमेंट होता है, यानी कि जब वोल्टेज का जो फील्ड बनता है उससे उसका करंट चेंज हो जाता है, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उससे और लेजर लाइट में बदलाव आ जाता है, उसको नाप लेते हैं। तो आप समझिए कि इस तरह का आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, तार आया तार गया और ऑप्टिकली इन्होंने सब चीज़ नाप लिया। तो इसमें SF6 के जगह पे नाइट्रोजन डाला जाता है जस्ट फॉर सेफ्टी केस की, मतलब ओवरहीट ना हो, मतलब आग उग ना पकड़े, सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे आपका वोल्टेज होता है ऑप्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऊपर में होता है ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर, तो आप आराम से नाप सकते हैं। और ये ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा कम जगह खाता है, हल्का होता है और बहुत अच्छा रिजोल्यूशन में आपको बताता है, फटाफट बताएगा कि कितना वोल्टेज है कितना आ रहा है और एकदम बढ़िया है। और कई कई जगह पे तो इससे जो ऑप्टिकल तार निकलता है वही सबस्टेशन का मतलब जो कंट्रोलर यूनिट है में डाल दिया जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर भी नहीं लगाएंगे इसके बेस में। तो समझ सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर का दिन अब खत्म होने वाला है, कितने साल में वो डिपेंड करता है, मतलब आपके पास पैसा है आप बढ़िया चीज़ बनाना चाहते हो तो आज ही लगा सकते हो, नहीं तो आप वेट कीजिए, दूसरा तीसरी बार जब बनाएंगे तब आप यही बनाओगे क्योंकि इसका दिन अब पूरा हो गया है। तो फिर हम आते हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, फिर दूसरा ये होता है कि हमारा डिज़ाइन का अंडरस्टैंडिंग, मतलब कैसे क्या बनाना है, वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। क्यों भाई, अरे 50 साल से बनाते आ रहे हैं, कई हज़ार सबस्टेशन बन गया, तो नॉलेज तो आ ही जाता है। तो नॉलेज का फायदा ये होगा कि अब हम लोग बनाते हैं जिसके कहते हैं हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल, मतलब कि एक स्विच है अब वो सब चीज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सर्किट ब्रेकर का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अर्थिंग स्विच का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब जो आइसोलेटर है उसका भी काम कर रहा है, वो आपका उसमें करंट ट्रांसफार्मर भी दे दिया गया, उसमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी, मतलब समझ एक चीज़ सब चीज़ कर ले रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल, मतलब लगभग आपका सारा काम कर ले रहा है सिवाय ट्रांसफार्मर के, ये सारा काम खुद संभाल लेता है। तो ठीक है, या इस तरह का आप देख रहे हैं, तो आप बोलोगे इतना छोटे जगह पर कर कैसे लेता है? तो ये सब हो पाता है क्योंकि GIS का इस्तेमाल किया जाता है, यानी गैस इंसुलेटेड स्विच। कुछ लोगों ने ट्राई किया ऑयल का, लेकिन ऑयल का लोगों को डर लगता है क्योंकि भैया कुछ भी गलती हुआ तो धमाकेदार उसका रिजल्ट हो जाता है, तो लोग को धमाका नहीं पसंद है, तो इस कारण से GIS काफ़ी पॉपुलर हो गया है। GIS का मतलब ये समझिए गैस इंसुलेटेड स्विच। तो आपको पता ही हो कि हवा में अगर जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी को जंप करने के लिए जगह मतलब कम चाहिए, मतलब इतना है आराम से जंप करेगा, दूर कर देगा कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा लंबा दूरी कूद पाएगा, तो हाई वोल्टेज में आपको बहुत दूर रखना पड़ता है, मतलब दो चीज़ जिसमें पोटेंशियल है उसको बहुत दूर रखा जाता है ताकि कूद ना जाए बिजली एक दूसरे से। तो हम लोग क्या करते हैं, हवा को हटा देते हैं, हवा को हटा के उसमें गैस डाल देते हैं, गैस का मतलब यानी एक चीज़ डालते हैं, तो एक चीज़ में जनरली CF6 होता है, कहीं कहीं जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सस्ता होता है और सेफ होता है। तो ये सब करके हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एकदम जो चीज़ के लिए आपको इतना जगह चाहिए था वो इतने में काम हो जाए, तब इसको इतना कॉम्पैक्ट बना लिया। और आपको मैंने ऑप्टिकली बताया था कि कैसे नापा जाता है वोल्टेज और करंट, तो वो भी इसमें लगा दे, उसके लिए तो जगह चाहिए ही नहीं था, तो सब करके एकदम छोटा सा बढ़िया सा चीज़ बन गया। और इसका आपको एक रफ आइडिया देने के लिए आप समझिए, जिस सबस्टेशन को बनाने के लिए आपको 20 मीटर का जगह चाहिए था, अब उसको सिर्फ आप 12 मीटर में बना सकते हैं,
तो समझ, ये हमारा डिज़ाइन का इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि जिस टाइम ये सब स्टेशन बनाया जाता है उस जगह का जमीन सस्ते में मिलता था, कोई उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन आजकल जमीन का दाम बहुत महंगा, मैंने तो बैंगलोर में एक दो तीन सब स्टेशन देखा जो बैंगलोर के अंदर है, मतलब पत्थर का बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार है और आपको लिखा रहेगा सब स्टेशन 135 to 35 kV सब स्टेशन है, और मतलब पता भी नहीं चला, लेकिन वहाँ जमीन का दाम समझ सकते बहुत महंगा है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा फुटप्रिंट को एकदम छोटा सा फुटप्रिंट में बदल दिया जाएगा इसका इस्तेमाल कर करके। अभी महंगा है और आपको नए नए लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है कि हम लोग इसको स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो स्मार्ट के बारे में आप ये समझिए, नॉलेज इज़ पावर। सबसे पहले आपको बता दिया कि जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं, वो नाप नहीं पाता उतना अच्छा। अच्छा है, मतलब उसी से काम हो जा रहा है, लेकिन समझिए ये वही बात हो गया कि मतलब केबल से या फोन लाइन से वर्सेस ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल तो आप देख ही सकते हैं, कोई एक सेकंड में कई हज़ार बार बता देगा, एकदम अच्छे से ग्राफ में डिटेल दे देगा। तो वैसा अगर आप करना कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, आपको पता चल जाएगा कि अरे स्टेडियम चालू हुआ तो थोड़ा सा स्पाइक आया था, तब आप उस टाइम के लिए तैयार हो जाइएगा दोबारा कि दोबारा स्टेडियम चालू होगा, ए भाई मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटर बैंक चालू कर दो क्योंकि उस टाइम झटका आता है। तो नॉलेज आपको रहेगा उतना स्टेबल हो जाता है, आपको पता रहेगा कि भैया गर्मी में दोपहर में कोई लोड नहीं है, क्यों भैया गर्मी छुट्टी हो गया सब लोग गायब हो गए। तो ये सब पता रहने से आप कोल पावर प्लांट से बात कर पाओगे, भैया अपना पावर आउटपुट इस टाइम दोपहर में कम करने के लिए तैयार रहो। फिर आप बोल दो कि भैया शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पूरा लोड रखना क्योंकि क्रिकेट मैच आने वाला है, सब लोग जम के टीवी देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नॉलेज होने से आपको पता चल जाएगा और उससे आप प्रिडिक्शन अच्छा कर पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या करना है कैसे करना है। और फिर मैनेजमेंट प्रिडिक्शन कर लिए, ठीक है अब आप उसके हिसाब से मैनेज कीजिए कि हाँ मतलब उनको पता चलता है कि भैया दिल्ली को रात में खुद ज़्यादा बिजली चाहिए, मतलब 12,000 मेगावाट से जगह पर 13,000 चाहिए, तो 1,000 वो किसी दूसरे स्टेट से खरीद लेंगे कि भैया ठीक है आपको बिजली का व्यवस्था चाहिए हम कर लेते हैं ताकि रात को लाइन ना कटे। तो ये सब करने के लिए स्मार्टनेस को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर हम लोग आते हैं कि ठीक है इतना सब हुआ होगा तो इससे आपको और या मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। आप ये समझिए हमारा भविष्य काफी उज्जवल हो जाएगा, वो इसलिए है कि हमारा ग्रिड जो है ना वो छोटा भी हो जाएगा। मतलब जो आपको मैं सबस्टेशन बता रहा हूँ वो मैंने बताया कि छोटा हो रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि मैं भैया 100 मेगावाट का सबस्टेशन बनाऊंगा और उसे एक बिल्डिंग के अंदर रखूंगा, लोग आप पे हंसते। लेकिन आजकल आराम से मिलता है 500-600 मेगावाट का मिल जाता है, आप चाहे तो आप कितना भी रख, क्योंकि GIS इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब एक बिल्डिंग के मतलब एक छोटा सा स्कूल का साइज का बिल्डिंग लीजिए, उसके अंदर तो आप पूरा दिल्ली को चलाने लायक सबस्टेशन रख सकते हैं। इसे ये छोटा हो गया और स्मार्ट भी हो गया कि हर जगह हर चीज़ को नापा जा पा रहा है अच्छे से। और फिर आप हम लोग इससे ना अडेप्टेबल बनाने लगे कि मतलब अर्थक्वेक हो खराब ना हो जाए, बारिश हो खराब ना हो जाए, बाढ़ आए खराब ना हो जाए। तो ये सब अब हमारा थोड़ा रिजिलियंट हो जा रहा है कि ठीक है झेल पाएगा, कुछ भी हुआ झेल पाएगा। फिर अडाप्टेबल, क्योंकि अब देखिए इतना बढ़िया सा डेटा आ रहा है तो अच्छा से प्रिडिक्शन बना जा रहा है, तो आप अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे। नहीं यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं काम के लिए, एक अलग से मतलब एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी का व्यवस्था कर लो ताकि लोड मेंटेन किया जा सके। तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि बिजली का कटना कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पीकर पावर प्लांट्स तो है नहीं, तो अगर प्रिडिक्ट करके मैनेज किया जा सकता है। तो आपके और हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे सबस्टेशंस काफ़ी एडवांस हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सबस्टेशन के बारे में, फ्यूचर के सबस्टेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, दो बार दबा दीजिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा डिसअपॉइंटमेंट है। फिर आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।